मैं इस्लामाबाद में रहता था, तो मैं अच्छे घर रहने का, मैं स्टैंडर्ड का, मेरे वाले साहब जो है दुबई में रहते थे। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट इसको भेजी तो इसने एक्सेप्ट की, तो इसलिए वहाँ से इसका फिर मैसेज आया, हाय मैं वहाँ से हमारी बातचीत गुजार हुई, आप आ जाओ मिल लेते हैं। मैंने घर वालों से कहा कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं इससे मिल रहा। मेरे घर वालों ने कहा कि आइंदा से बात नहीं करनी, अगर तुमने बात दोबारा की तो हम तुमसे तुम्हारा फ़ोन छीन लेंगे। निकला, मैंने 2-3 लाख रुपये घर से उठाया, तो मेरे पास आईफोन वगैरह था, सब सामान बहुत ज़्यादा था। तो मैं आया लारी अड्डे पे, एक लड़का आया था मुझे लेने के लिए, वो कहता, मैंने उससे पूछा वो क्यों नहीं आई, वो कह रहा था कि वो घर पे वेट कर रही है, तुम आओ कि भाई तुम खाना वगैरह खाओ पहले, फिर बात करवाता हूँ। मैं कहा ठीक है, तो हमने खाना वगैरह खाया, तो अचानक से मुझे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान खान। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं 18 साल सैफुल्ला, जो कि इस्लामाबाद के रहायशी हैं। ये वहाँ पर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते, इनकी फ्रेंडशिप होती है फेसबुक में एक लड़की से, जो इसको बाद में मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। फ्रेंडशिप चलती रहती है, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत के बाद वो लड़की इससे मिलने की ख्वाहिश करती है और ये उसकी खातिर लाहौर आ जाता है। लेकिन जब ये लाहौर आता है, लाहौर में आके इसको पता चलता है कि ये धोखा हुआ उसके साथ, और इसके जो सामान वगैरह था वो सारा इसे छीन लिया जाता है। आखिर ये सारा वाकया क्या हुआ, ये मोहब्बत शुरू कैसे और ये फ्राड इनके साथ हुआ कैसे, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएगा सैफुल्ला कि आप इस्लामाबाद में रहते थे, तो ये सारा क्या हुआ वाकया, फ्रेंडशिप आपकी कैसे हुई थी उसके साथ? जी मैं इस्लामाबाद में रहता था, तो मैं अच्छे घर रहने का, मैं स्टैंडर्ड का, मेरे वाले साहब जो है दुबई में रहते थे। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट इसको भेजी तो इसने एक्सेप्ट की, तो इसलिए वहाँ से इसका फिर मैसेज आया, हाय मैं वहाँ से हमारी बातचीत गुजार हुई, स्टार्टिंग वहाँ से हुई, तो बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। काफ़ी महीने गुजर गए तो हमारे बीच लव हो गया, जैसे कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं बहुत ज़्यादा करता था, फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसको अपने प्यार का इजहार किया। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे, उसने भी इजहार किया, कहती हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपसे मिलना चाहता हूँ, कहती मैं इंडिया में रहती हूँ मुंबई शहर में, तो आप आ जाए मिलने के लिए। मैंने सोच टेंशन में पड़ गया, यार कैसे मिलूँ क्या करूँ अब। फिर मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं, मैंने फिर तैयारी वगैरह की घर के लड़ लुड़ के, तो फिर मैंने मिलने का प्रोग्राम बनाया, तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। तो फिर उसका मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं हम। कहती नहीं ऐसे वैसे हमारे घर वाले ना माने, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा चलो, फिर वो कहती नहीं मैं लाहौर में रहती हूँ, डिफेंस में रहती हूँ। पहले उसने आपको कहा कि वो इंडिया में रहती हूँ, उसके बाद फिर बात पलट दी कि मैं लाहौर में रहती हूँ। लाहौर में रहती हूँ, तो मैंने सोचा यार मेरे लिए तो आसानी होगी, तो मैंने इसलिए जो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मिल लेते हैं। वो कहती ठीक है आप आ जाओ मिल लेते हैं। मैंने घर वालों से कहा कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं इससे मिल रहा। मेरे घर वालों ने कहा कि आइंदा से बात नहीं करनी, अगर तुमने बात दोबारा की तो हम तुमसे तुम्हारा फ़ोन छीन लेंगे। तो इसलिए भाई फिर मैं सोच रहा था, फिर मैं रात को निकला, मैंने 2-3 लाख रुपये घर से उठाया, तो मेरे पास आईफोन वगैरह था, सब सामान बहुत ज़्यादा था। तो मैं आया लारी अड्डे पर, हमारी मुलाकात हुई, तो उसके बाद उधर ऐसी लड़की आपसे मिलने के लिए नहीं, वो लड़की नहीं, एक लड़का आया था मुझे लेने के लिए, वो कहता, मैंने उससे पूछा वो क्यों नहीं आई, वो कह रहा था कि वो घर पे वेट कर रही है, तुम आओ। तो उस लड़की ने आपसे पहले जिक्र किया था कि ऐसा कोई एक लड़का आएगा आपको लेने? नहीं, ऐसा वगैरह जिक्र नहीं किया था उसने। तो वो एक लड़का आया था मुझे लेने, वो कहता वो घर पर तुम्हारा वेट कर रही है, आ जाओ। तो मैं उसके साथ गया, तो घर पर बैठे, तो मैंने उससे पूछा यार वो किधर है, मैंने उससे मिलना है। वो कहता कि भाई तुम खाना वगैरह खाओ पहले, फिर बात करवाता हूँ। मैं कहा ठीक है, तो हमने खाना वगैरह खाया, तो अचानक से मुझे नींद आनी, मैं बेहोश हो गया। 3-4 दिन बाद जाके मुझे होश आई, तो मैंने देखा एक रोड पे मैं पड़ा था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा सब कुछ चोरी उन्होंने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जब मुझे होश आई थी, तो मैंने देखा मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस एक मेरे पास एंड्रॉयड का फ़ोन था जो मैंने देखा था, तो उसमें एक कॉल आई थी पहले लड़के की, वो कहता पहले मेमोरी कार्ड चेक करो। जो मैंने गैलरी ओपन की, तो मेरा नजायज़ वीडियो मेरी थी उसमें, ज़्यादा जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा थी, फिर मैंने देखी तस्वीरें वगैरह सब थी, तो मैं बहुत परेशान हो गया, तो सोचने लगा क्या करूँ। तो मैं गुस्से में आन के मैंने फ़ोन तोड़ दिया। तब मैं दादा साहब चला गया, फिर वहाँ पर बैठ के मैं सोचने लगा दिन रात भाई क्या करूँ। 2 हफ्ते बीत गए, तो बहुत डिप्रेशन में था कि खुदकुशी कर लूँ क्या कर लूँ। फिर एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वो आए मेरे पास, वो कहते बेटा क्या बात है, अच्छे घर आने के लगते हो, तो ऐसे क्या बात है, बड़े परेशान रहते। मैंने फिर उसको अपनी स्टोरी बताई, तो कहता बेटा स्टोरी तो बहुत अजीब है, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बस लव के चक्कर में ऐसा हो गया, फर्स्ट लव था। तो उसने फिर मुझे दाता साहब काम दिलवा दिया, वो पार्किंग वाला, तो वही काम फिर 10,000 टोकन वाले वो करता रहा, तो अभी तक मैं अपने घर तक नहीं गया, तो अभी लाहौर शहर में रहता हूँ।
अच्छा उस लड़की की जो आईडी थी वो किस नाम से? आईडी उसकी आयशा के नाम से आईडी थी। आयशा के नाम से? क्या उस लड़की ने पहले भी आपके साथ कभी वीडियो कॉल वगैरह किया, आपने उसकी पिक्चर वगैरह देखी थी? नहीं, ज़्यादातर हमारी जो वॉइस चैट होती थी, एक पिक्चर उसने भेजी थी बस वो देख के उसने डिलीट कर दी थी, बस ज़्यादातर हमारी जो वॉइस चैट ही होती थी। जब आपने घर वालों को बताया कि इस तरह एक लड़की है, मैं उससे साथ मोहब्बत करता हूँ, उससे मिलने जाना चाह रहा हूँ, तो उस टाइम घर वालों को क्या रही? उनके रिएक्शन वैसे ही थे, वो कहते नहीं ये सब फ्रॉड होता है। मैंने कहा नहीं फ्रॉड नहीं होता, ये मुझे हकीकत ही है, ये लव हो गया, ये ऐसे वैसे। वो कहते बहुत मना करते थे बट मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने अपनी मर्ज़ी की थी। फिर अब पछतावा हो रहा है कि काश मैं उनकी उस टाइम बात मान लेता तो आज ये नौबत ना आती, आज ये सारा कुछ ना होता। हाँ बस यही सोचता, बस आज जो उनकी बात मान लेता ना तो आज टाइम बहुत हैप्पी होना था। बस अभी ये देख लें क्या सीन है। कभी ख्याल नहीं आया यार कि मैं घर वापस लौट जाऊँ? ख्याल तो आता है बट घर वालों को सोचता है यार वो क्या कहेंगे मुझे, तो इस डर से मैं घर नहीं जाता। फिर वो सोचा इंशाल्लाह जो है ना अब जाऊँगा तो कामयाब बन के जाऊँगा, वरना नहीं अपने घर जाऊँगा। पछतावा होता है, आप मैट्रिक के स्टूडेंट भी थे, अभी आपने मैट्रिक के एग्जाम भी दिए, तो पछतावा होता है कि यार काश मैं फेसबुक गलत इस्तेमाल ना करता, काश मैं उस लड़की की बातों में ना आता तो आज ये दिन ना रहे। जी इस बात सही है, बस आज बहुत ज़्यादा जो कहते हैं पछतावा मुझे हो रहा है, बस आइंदा से जो लाइफ में पहली गलती थी वो होगी, तो इंशाल्लाह जो कामयाब बन के जाऊँगा अपने माँ बाप को मुंह दिखाऊँगा, फिर हो सके आगे की ज़िंदगी स्टार्ट करें। अच्छा उन लड़कों को ही मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह फेसबुक में अपनी फ्रेंडशिप करते हैं और बाद में उनका अंजाम भी इस तरह आपकी तरह होता है, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई उनको मैसेज यही देना चाहूँगा कि ये भाई सब फ्रॉड होता है, ठीक है, इसमें कोई ये हकीकत नहीं होती जो मेरे साथ हुआ, हो सके कल को आपके साथ भी हो सकता है। ये भाई सब फ्रॉड है, ये जो रिक्वेस्ट डीपी कुड़ी के लड़कियों के लगाते हैं ये अच्छी नहीं होती, ठीक है, ये सब फ्रॉड होता है, जैसा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, हज़ारों के साथ होते हैं फ्रॉड। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी भी ना होने दें, जो लड़की हो भी उसको ये ना भी करने दें। जी नाज़रीन आपने इनकी बातें सुनी, इनको मोहब्बत हुई, मोहब्बत के बाद ये उसकी खातिर लाहौर तक आ गए, लाहौर आके लड़की ने इनके साथ फ्रॉड किया और जो पैसे साथ लेके आए थे, जो इनके पास जो सामान वगैरह था वो भी इनसे सारा ले लिया, उसके बाद ब्लैकमेलिंग की भी कोशिश की लेकिन ये बच गया। ये दाता दरबार है, वहाँ पर रातें गुजारी और उसके बाद ये पार्किंग एरिया में जॉब भी कर रहे हैं। मैं दोस्तों से भी यही कहना चाहूँगा कि खुदारा पहले जब भी आप फेसबुक में फ्रेंडशिप करें, जॉब भी करें, पहले आप लाजमी चेक करें कि वाकई में वो लड़की है या नहीं, इस तरह किसी के बेकावे में ना आए और अपना ख्याल रखें। मजीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।